हेलो, नमस्ते, प्रणाम सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से हो, स्वस्थ हो। तो मैं भी अच्छे से हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक सिंपल रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि है चना आलू की सब्जी। और वो एक ऐसी रेसिपी है जो आपको ना ही मिक्सी की ज़रूरत होगी, और ना ही मतलब मिक्सी नहीं भी रहे तो भी चलेगा, कुछ भी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो आपके घर में कुछ जो भी सामान हो, जो रहता है ऑलरेडी सभी के घर में, उसी सामान से हम अच्छी सी एकदम सुंदर सी रेसिपी बनाने वाले हैं। ओके, तो ब्लॉग में बने रहिएगा लास्ट तक, और चैनल को जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लास्ट तक ब्लॉग में बने रहिएगा। क्योंकि ना ये रेसिपी आप लोगों को कभी भी, क्योंकि अक्सर होता है ना, चना एक ऐसी रेसिपी है जो आपको घर में कोई भी सब्जी ना मिले ना रहे ना, तो आप चना भिगो दीजिए रात में और सुबह बना लीजिए। और कोई वो लोग बना लेते हैं तो उसको उबालना पड़ता है, ऐसा कुछ चना लोग को उबालते हैं ना, आज उबालना उबालना कुछ भी नहीं है। ओके, तो आज बड़ा ही मज़ेदार रेसिपी होने वाली है, तो आप लोग प्लीज़ ब्लॉग में बने रहिएगा। ओके, तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं और शुरू करते हैं। हमारी कुकर गर्म हो चुकी है। आज एक्चुअली ना कुकर में बनाने वाली हूँ मैं सब्जी, तो कुकर गर्म हो चुकी है। इसमें तेल भी डाल दी, अब दे रही हूँ तेज पत्ता, और इसके साथ ही ये 5 फोड़न होता है वो दे रही हूँ। आपके पास 5 फोड़न है तो दीजिए, वरना जीरा दे दीजिएगा। और फिर जीरा को और इसको कुछ देर के लिए बस भुनना है। ये भुन चुका है तो अब इसमें मैं प्याज को, एक प्याज को बारीक काट ली हूँ, इसको दे रही हूँ, इसको डाल के और कुछ देर के लिए ही इसको अच्छे से पहले भून लेना है। अच्छे से लाल हो चुकी है। अब इसमें मैं लहसुन खड़ा ही दी हूँ, उसको उसका छलका छिलका निकाल के और थोड़ा सा अदरक कूच के मैं डाली हूँ, और 1-2 हरी मिर्च दी हूँ, और इसको भी अच्छे से 2 मिनट के लिए भून लेते हैं, 1-2 मिनट के लिए। अदरक लहसुन भून चुका है। अब इसमें मैं एक टमाटर डाल रही हूँ, और इस टमाटर को भी अच्छे से सॉफ्ट होने तक, इसको सॉफ्ट होने देना है। ओके, ये टमाटर गल चुका है। अब इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और 1 चम्मच हल्दी पाउडर, और थोड़ा सा मेरे पास मटन मसाला है तो ये मटन मसाला मैं डाल दे रही हूँ। आपके पास जो कुछ भी गर्म मसाला हो, चिकन मसाला हो, तो वो डाल सकते हैं। अब इसको कुछ सेकेंड के लिए भूनना है। बस ये भून चुका है, भून चुका था, तो मैं इसमें बस 1 कप, छोटा कप से 1 कप पानी दी हूँ, पानी डाल दी हूँ, और इसको और ढक्कन लगा के 2 सीटी आने दी। देख सकते हैं मैं 3-4 सीटी लगा ली हूँ, और ये एकदम क्या बोलते हैं, अच्छे से गल चुका है। और अब इसको क्या करना है, अच्छे से मैश कर देना। तो मुझे कोई सूट करने वाला, मेरा मोबाइल पकड़ने वाला है नहीं, इसलिए मैं एक हाथ से मोबाइल पकड़ी और एक हाथ से ये कच्छू से मिला रही हूँ। ओके, तो मैं अब थोड़ा ऐसे बस दिखा दी हूँ आपको, अच्छे से पूरा मिलाना है। ओके, तो मैं मिला लेती हूँ। ये मैं अच्छे से मिला ली हूँ, और अब इसमें मैं आलू को छील के काट के धो ली हूँ, तो ये डालना है। ओके, और इसके साथ ही मैं चना भी डाल दे रही हूँ। यही है मैन क्या बोलते हैं, सीक्रेट, जो इसे ना एकदम सुंदर सब्जी बनने वाला है, बहुत ही सुंदर। एक बार आप ऐसे ट्राई कर लीजिएगा, यकीन मानिए। मैं आलू और चना डाल दी हूँ, और अब इसको अच्छे से मिला लेती हूँ। ये भुन रहा है, बस कुछ देर भुनना है। अब इसमें स्वाद के अनुसार नमक, ये थोड़ा सा ग्रेवी होने वाला है, थोड़ा सा मैं इसमें रस डालूँगी, इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा डाल रही हूँ। और अब इसको 1 मिनट तक भूनना है। ये कितना सुंदर लग रहा है, 1 मिनट से मैं भून रही हूँ, थोड़ा अच्छे से भून लेते हैं ताकि आलू में भी मसाला अच्छे से मिल जाए और चना में भी। और कितना सुंदर लग रहा है देखने में, तो आप लोग एक बार इस तरीके से ट्राई ज़रूर कीजिएगा, यकीन मानिएगा। आप लोग बराबर जब भी चना का बनाएंगे ना, तभी आप ऐसे ही बनाओगी। ओके, तो ये भून चुका है। अब इसमें मैं पानी डाल दे रही हूँ, ये देखिए पानी डाल दी हूँ। और अब इसको, क्योंकि चना तो क्या बोलते हैं फूला हुआ था, तो चना में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, और अभी का आलू ऑलरेडी अच्छा ही आता है, तो बस 2 ही सीटी लगाएंगे। ओके, तो ये देखिए ये 2 सीटी लग चुका है। अब मैं इसको खोलती हूँ, देखिए देखिए सब्जी बन चुकी है, और ये देखिए कितना सुंदर सब्जी आई। मैं इसको ओके पूरा एकदम अच्छे से पक चुका है। अब इसमें लास्ट में मैं क्या बोलते हैं, थोड़ा सा चिकन मसाला डाल दे रही हूँ। ओके, आपके पास धनिया पत्ता हो तो डाल दीजिएगा, पर मेरे पास धनिया पत्ता नहीं था इसके लिए मैंने नहीं डाला। और ये देखिए हो गया ना एकदम सुंदर सी सब्जी। तो एक बार आप लोग भी इस तरीके से ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ओके,